वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ यूपी की एक और फेमस चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सिंगाड़ों के साथ बनती है और इसको आप ब्रेकफास्ट में एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। बहुत इजीली बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सिंघाड़े 500 ग्राम कटे हुए हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, मसाले में चाहिए अमचूर पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, बटर डेकोरेट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंघाड़ों को अच्छे से धो लेंगे और फिर हम उन्हें कुकर में कुक करने के लिए रखेंगे। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ऑयल को अच्छे से गर्म करना है और उसमें हम फिर आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और कटा हुआ अदरक डालेंगे। इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें सिंघाड़ों को डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार ही हमें रखना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि सिंगाड़ों में पानी होता है और वो कुक होने के बाद पानी छोड़ते हैं, इसलिए हमें पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत कम पानी लिया है, आधा ग्लास से भी कम पानी मेरा यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। हमें 4 से 5 सीटी हाई फ्लेम पर लेनी है और उसके बाद 5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर कुकर को ऐसे ही गैस पे रख देना है। यह बहुत ही इजीली बन जाती है और ये विंटर्स में बनाई जाती है क्योंकि सिंगाड़े भी विंटर्स में ही आते हैं। देखिए हमारी कचरी बनकर तैयार है। हम इसको अब मैश कर लेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से मैश करना है और क्योंकि सिंगाड़े अभी कच्चे हैं तो ये इजीली मैश हो जाते हैं। जब सिंघाड़े पके हुए आने लगते हैं तब आप उनको आलू के जैसे बॉईल करके, आलू के जैसे ही मैश करके ऐसे ही सेम मेथड से बना सकते हैं। अब इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने चाट की बाउल ली है, चाट की बाउल में मैं उसको निकाल लेती हूँ। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, अदरक और हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं हरा धनिया डालूंगी। लास्ट में हम नींबू का जूस इस पर डालेंगे। सॉरी मैं बटर का यूज़ करना भूल गई। और हमारी सिंघाड़े की कचरी बनकर तैयार है। आप इसको अपनी किसी भी फेवरेट नमकीन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये नमकीन के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको बनाइए, खाइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर गुड वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।